वेलकम डियर क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज आवर लास्ट यूनिट ऑफ जनरल साइंस फर्स्ट टर्म सिलेबस। दिस इज आवर लेक्चर 14। सो ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 113। फोर्स एंड एनर्जी। फोर्स, फोर्स मीन्स पावर, यानी कि जोर, ताकत। ठीक है, हम अपने सारे काम करने के लिए फोर्स लगाते हैं। फोर्स के बगैर हम कोई भी काम नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ पेन। इफ़ यू वांट टू लिफ्ट इट अप यू विल हैव टू पुट अप फोर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू मूव इट, इफ़ यू वांट टू मूव इट यू विल हैव टू पिक इट अप। दिस इज़ योर फोर्स, दिस इज़ योर पुल। ओके, सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने बुक भी उठानी है, कोई भी चीज़ उठानी है, पानी का ग्लास उठाना है, पेन उठाना है, तो आपको उसके लिए ज़ोर लगाना पड़ेगा और वो ज़ोर आपका क्या कहलाएगा? फोर्स। तो इट मीन्स फोर्स इज़ द नेम ऑफ पुल एंड पुश द अदर थिंग्स। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन विद द डिफिकल्ट वर्ड्स। नंबर वन इज फोर्स, फोर्स। नंबर टू इज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन। नंबर थ्री इज एनर्जी, एनर्जी। नंबर फोर पुल, पुल। नंबर फाइव पुश, पुश। नंबर सिक्स पेट्रोल, पेट्रोल। नंबर सेवन फैमिली, फैमिली। नंबर एट वार्म्थ, वार्म्थ। नंबर नाइन रबिंग, रबिंग। नंबर टेन ग्रिप, ग्रिप। लेट्स लुक एट द बोर्ड। दिस इज फोर्स। ठीक है, फोर्स क्या होती है? पुल एंड पुश ऑफ थिंग्स। अगर हमने किसी चीज़ को पुल करना है, यानी कि अगर हम अपने हाथ से कोई चीज़ अपनी तरफ खींचते हैं, दैट इज कॉल्ड पुल। ठीक है, या हमने किसी चीज़ को पुश करना है, मतलब अगर हम अपने हाथ से कोई चीज़ उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश करते हैं, दबाते हैं, आगे को करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? पुश। तो दिस पुल एंड पुश इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, और जब हम ये पुल एंड पुश करते हैं तो हमारी बहुत सी चीज़ें मूव करती हैं। सो फोर्स मेक्स थिंग्स मूव। ठीक है, फोर्स की मदद से ही चीज़ें मूव करती हैं। अब जब हम किसी भी चीज़ को पुल एंड पुश करते हैं तो उसके बाद एक काम होता है, दैट इज़ कॉल्ड वर्क। यानी कि हमारी कोई भी चीज़ अगर हम उसको पुल करेंगे तो वो हमारी तरफ आ जाएगी, खींची जाएगी। अगर हम उसको पुश करेंगे तो वो हमसे ऑपोजिट डायरेक्शन में आगे को जाएगी। तो दोनों सूरतों में ही हम क्या करेंगे? वर्क। तो फोर्स हम क्यों करते हैं, क्यों लगाते हैं? ताकि हमारा वर्क हो सके। और अगर किसी काम में फोर्स लग जाए लेकिन चीज़ की मूवमेंट ना हो, यानी कि ना तो पुल हो ना पुश हो, या हम पुल एंड पुश करें लेकिन उस पर कोई असर ना हो, तो वहाँ पे वर्क नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर आप एक बड़े से पहाड़ को पुश कर रहे हैं, ठीक है, आपने पुश किया लेकिन उस पहाड़ पे कोई असर नहीं पड़ा, वो पत्थर या वो बड़ा सा पहाड़ अपनी जगह पे कायम है, तो हम ये कहेंगे कि वहाँ पर कोई वर्क नहीं हुआ। लेकिन अगर आप एक भारी पत्थर उठाना चाह रहे हैं, उसके लिए आपने बहुत ज़्यादा फोर्स लगाई और आपने उस पत्थर को उठा लिया और उसे वो एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रख दिया, तो फिर हम कहेंगे कि यहाँ पे वर्क हुआ है। ठीक है, तो फोर्स तमाम चीज़ों के लिए एक जैसी नहीं होती। हल्की चीज़ के लिए हमें कम फोर्स लगानी पड़ती है और भारी चीज़ के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। ठीक है, तो जब वर्क होता है तो उस वर्क के लिए हमें क्या चाहिए होती है? एनर्जी। एनर्जी जो है डिफरेंट लिविंग थिंग्स को या नॉन लिविंग थिंग्स को डिफरेंट मेथड से, डिफरेंट वेज में एनर्जी मिलती है। फॉर एग्जांपल लिविंग थिंग ह्यूमंस हैं तो उनको अपनी फूड का एनर्जी कहाँ से लेते हैं? फूड से। ठीक है, इस फूड में उनके जो है तमाम किस्म की फूड शामिल है, वो चाहे प्लांट्स खाएँ, वेजिटेबल्स खाएँ, मीट खाएँ, तो इस फूड से उन्हें एनर्जी मिलेगी। और वो एनर्जी क्यों लेते हैं? ताकि वो अपने बहुत से काम कर सकें। एनिमल्स हैं, उनको ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? प्लांट्स एंड एनिमल्स से। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, सॉरी कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, जैसा कि कार्निवर्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो एनिमल्स भी खाते हैं, जैसा कि आपने कार्निवर्स के बारे में पढ़ा होगा। तो ये जो हैं दोनों किसकी एनर्जी के लिए होते हैं? एनिमल्स की।
इसी तरह हमारे पास कार है, कोई भी गाड़ी है, तो जब तक हम उसमें पेट्रोल नहीं डालेंगे वो गाड़ी नहीं चलेगी। तो गाड़ी को या कार को या किसी भी कन्वेंस को एनर्जी कहाँ से मिलती है? पेट्रोल से। तो इसी तरह डिफरेंट थिंग्स के लिए डिफरेंट एनर्जी जो सोर्सेज होते हैं जहाँ से वो एनर्जी हासिल की जाती है, ताकि हमारा उनको एनर्जी मिले और फिर एनर्जी के बाद उनका वर्क हो सके। ठीक है जी, यहाँ पे आप कुछ पिक्चर्स देख रहे हैं, ह्यूमन बीइंग ये फूड खा रहे हैं, ये हमारी कार है जो पेट्रोल से चल रही है, एनर्जी हासिल कर रही है, यहाँ पे इनको रनिंग के लिए एनर्जी चाहिए। तो हमें एनर्जी इस तरह डिफरेंट सोर्सेज के लिए, डिफरेंट कामों के लिए चाहिए होती है, डिफरेंट सोर्सेज से जो हमें मिलती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज अनदर टाइप ऑफ फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स की ही एक दूसरी टाइप है। जो कब पैदा होती है? बाय रबिंग टू थिंग्स। जब कभी भी हम दो चीज़ों को आपस में रगड़ते हैं, ठीक है, तो ये फ्रिक्शन पैदा होती है। ठीक है, ये जब तक नहीं पैदा होगी जब तक दो बॉडीज आपस में, दो थिंग्स आपस में रगड़ नहीं खाती, लेकिन जैसे ही हम उनको रगड़ेंगे, हम उनको रब करेंगे, तो फ्रिक्शन पैदा होगी। फॉर एग्जाम्पल, हाथों में भी एक एक्टिविटी दी गई है कि आप अपने हाथों को तेजी से रगड़ें, दो तीन मिनट खेलने के बाद आप फील करेंगे कि आपके हाथ में वार्मथ पैदा हो गया है। वो वार्मथ क्या, किस वजह से पैदा हुई है? ड्यू टू फ्रिक्शन, कि आपके हाथों में रगड़ खाने से फ्रिक्शन पैदा हुई, उस फ्रिक्शन ने आपके हाथों को गर्म कर दिया और यूँ आपको हीट मिली। ठीक है, इसी तरह फ्रिक्शन जो है वो बहुत से कामों में हमारी हेल्प करती है। कि फॉर एग्जांपल देख रहे हैं कि जहाँ पे ये दो चीज़ें हैं, जैसे ही हम इनको रगड़ेंगे, इनके दरमियान में जो फोर्स पैदा होगी वो क्या कहलाएगी? फ्रिक्शन। ठीक है, इसी तरह अगर हम दो स्टोन्स को आपस में रगड़ते, तो दो स्टोन्स को जब हम आपस में रगड़ेंगे, इनके दरमियान फ्रिक्शन पैदा होगी, यहाँ तक के वो फ्रिक्शन दो स्टोन्स में फायर पैदा करेगी, वो उनको वहाँ पे आग पैदा करेगी। तो आग भी क्यों पैदा होती है? क्योंकि ये दोनों स्टोन्स आपस में रगड़ खाएंगे और इनके रगड़ने से जो हीट पैदा होती है वो आफ्टर ऑल जो है वो फायर में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये सब किस वजह से हुआ? फ्रिक्शन की वजह से। इसी तरह जब हम पेज पे लिखते हैं, तो पेज और पेन इन दोनों के दरमियान में भी, क्योंकि पेन चूँकि पेज के ऊपर जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है, जब हम लिखते हैं तो इन दो बॉडीज, दो थिंग्स आपस में टकरा रही हैं, रगड़ खा रही हैं, इनके रगड़ खाने से एक फोर्स पैदा होगी, फ्रिक्शन, जिसकी वजह से हम जो भी वर्ड्स बनाएंगे, मतलब हम ए के बाद अगर बी लिखना चाह रहे हैं, तो हमारी जो भी मूवमेंट होगी वो फ्रिक्शन की वजह से ही हमारे वर्ड्स जो हैं वो क्लियरली लिखे जाते हैं और हमें क्लियरली नज़र आते हैं। तो पेन और पेपर के दरमियान में भी फोर्स और फ्रिक्शन की वजह से ही लिखना पॉसिबल होता है। अगर ये फ्रिक्शन ना होती तो शायद हमारे वर्ड्स जो हैं वो अपनी अपनी शेप में बरकरार ना होते, वो अपनी अपनी शेप में ना लिखे जाते और हम कभी भी यूँ लिख ना सकते। ठीक है, तो फोर्स के लिए क्या चीज़, सॉरी फ्रिक्शन के लिए क्या चीज़ कंडीशन है? रबिंग टू थिंग्स, यानी कि उन चीज़ों का आपस में रगड़ खाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसी तरह ये भी है कि अगर जब हम फ्लोर पर चलते हैं तो हम स्लिप क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि फोर्स, फ्लोर में फ्रिक्शन पाई जाती है। जैसे ही हमारा पैर हमारे फ्लोर पर आता है तो दोनों थिंग्स आपस में रगड़ती हैं, रगड़ी जाती हैं, रगड़ खाती हैं और वहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पैदा होती है जो हमें गिरने से बचा लेती है। ठीक है, तो एक बात ये भी है कि स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन कम होती है और ड्राई एंड रफ सरफेस पे फ्रिक्शन ज़्यादा होती है। यही वजह है कि अगर हम एक वेट फ्लोर पे चलें जहाँ पे पानी गिरा हुआ हो, तो उस वहाँ पे चूँकि फ्रिक्शन कम होती है तो हम स्लिप हो जाते हैं। ठीक है, या हम स्मूथ सरफेस पे अगर चलें तो हम वहाँ पे स्लिप हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत कम है, जिसकी वजह से हम गिर जाते हैं। लेकिन अगर हम किसी रफ सरफेस पे चलें, रफ रोड पे चलें जहाँ पे पॉटहोल्स बहुत ज़्यादा हैं और या जहाँ पे गड्ढे बहुत ज़्यादा हैं या जहाँ पे जो है वो रफ सरफेस है, तो वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होगी और हम नहीं गिरते। इसी तरह ड्राई जो फ्लोर है, किसी भी खुश्क सतह पे आप चल रहे हैं तो आप वहाँ पे नहीं गिरोगे क्योंकि वहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा है जो आपके पाँव को ग्रिप करती है और आप गिरने से बच जाते हो। ठीक है, तो हमारा चलना किस वजह से पॉसिबल है? किस फोर्स की वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। जी, फाइनली हम फ्रिक्शन के यूजफुल, फ्रिक्शन
फाइनली हम फ्रिक्शन के बेनिफिट्स की तरफ आते हैं कि फ्रिक्शन के क्या फ़ायदे हैं। तो फ्रिक्शन की मदद से हमारे बहुत से काम होते हैं, यानी कि हम इस पर ग्राउंड पे फॉर्मली चल सकते हैं। और अगर ऐसा ना होता, अगर ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना होती तो हम गिर जाते। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना होती तो हम कभी भी पेपर पर लिख ना पाते, ठीक है। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना होती तो कभी भी हम दो स्टोन्स को आपस में रगड़ के वहाँ से आग हासिल ना कर पाते। यानी कि ये हमारी लाइफ में बहुत से कामों में हमारे लिए मददगार साबित होती है। So friction is as important as a force, as another force. जी स्टूडेंट्स, यूँ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। आप इसको रीड आउट कीजिएगा, समझिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।